फेस टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाबेज हुसैन जैदी। जिस खबर का आजम खान के चाहने वालों को इंतजार था, आखिरकार वो आ चुकी है। सीतापुर जेल से रिहा हुए आजम खान, सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आजम खान सपा नेता पूर्व मंत्री आजम खान रिहा हो चुके हैं और वो अब रिहाई के बाद अनु गुप्ता के घर पहुंचे हैं। अनु गुप्ता वही हैं जो उनके जेल में काफ़ी ध्यान रख रही थे और उसी के साथ साथ ये खबर भी बताते चले कि जेल पर ही उनसे जो कि शिवपाल जो है सपा नेता वो भी मिलने पहुंचे और उसके बाद वो वहीं से लखनऊ पहुंच गए, लखनऊ लौट गए। और इसके बाद आपको बताते चले, अब जो पूरा जमावड़ा है अनु गुप्ता के यहाँ है, जो पूर्व और विधायक हैं सपा से, उनके घर पर है और ये अंतरिम जमानत जो है उन्हें सुप्रीम कोर्ट से मिली है। काफ़ी रुकावटों के बाद काफ़ी समय लग गया उनको, क्योंकि अभी जमानत मिलने वाली थी तो उन पर एक और केस दर्ज हो गया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आपत्ति जताई थी। और ये दृश्य है अनु गुप्ता के यहाँ, विधायक अनु गुप्ता के यहाँ के, आजम खान उनके घर से बाहर आते हुए निकल कर आप देख सकते हैं। सीधे आपको ये वहीं से दिखा रहे हम, और जेल से कुछ ही दूरी पर 200 मीटर की दूरी पर ये जो है अनु गुप्ता जो है पूर्व विधायक सपा विधायक हैं उनका मकान है और उन्हीं के मकान पर सबसे पहले आजम खान रिहा होने के बाद पहुंचे थे। और जो कि मीडिया उनके पीछे पूरी तरह से जमावड़ा देख सकते हैं आप, किस तरह से लोग उनके पीछे हैं और मीडिया उनसे बात भी करना चाहता है, लेकिन आजम खान अभी कुछ बोले नहीं हैं और उनका पूरी भरपूर तरीके से स्वागत हो रहा है। लोग उनके चाहने वाले तो उनके आगे पीछे लगे हुए हैं और इस वक्त जो है शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा के हालात को देखते हुए। और इस तरह देख सकते हैं आप किस तरह से आजम खान जो है अनु गुप्ता के घर से बाहर निकल रहे हैं, मीडिया का पूरा जमावड़ा है वहाँ पर। ये लगातार दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं फेस टू डे न्यूज़ पर। ये सारे दृश्य हम सीधे आपको सीतापुर से दिखा रहे हैं। सीतापुर जेल से अभी जब रिहा हुए तो अनु गुप्ता के यहाँ पहुँचे और वही दृश्य हैं जो हम आपको दिखाए जा रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं आपको। ये सीधे सीतापुर से हैं, सीतापुर से रिहा होने के बाद 200 मीटर सपा विधायक को यहाँ पर रहती और उनके घर पर पहुँचे थे रिहा होने के बाद। न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आपको तमाम जानकारी।